हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ कंबस्शन के बारे में। ठीक है, आज हमारा क्लास होगा टाइप ऑफ कंबस्शन। टाइप ऑफ कंबस्शन होगा आज का लेक्चर। टाइप ऑफ कंबस्शन, ठीक है, टाइप ऑफ कंबस्शन है आज का हमारा टॉपिक। टाइप ऑफ कंबस्शन, कंबस्शन तो इसमें आपको अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप का कंबस्शन आपको मिल सकता है। बेसिकली हम लोग तीन टाइप के पढ़ेंगे, ठीक है, तीन टाइप का हम लोग इसमें पढ़ेंगे। पहला टाइप है जो वो रैपिड कंबस्शन है। पहला है रैपिड कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन, रैपिड कंबस्शन। जो दूसरे टाइप का कंबस्शन है वो क्या है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। तीसरा है एक्सप्लोसिव कंबस्शन। तीसरा क्या है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। अब हमें तीनों को देखना है एक एक एक्सप्लोसिव कंबस्शन के बारे में। अब देखो, इसमें हम पहला पढ़ेंगे कि रैपिड कंबस्शन होता क्या है। फर्स्ट रैपिड कंबस्शन, तीन टाइप के कंबस्शन होते हैं, आपको याद रखना है। पहला है रैपिड, दूसरा स्पॉन्टेनियस और तीसरा क्या है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन। तो पहले टाइप का देखेंगे हम लोग, रैपिड कंबस्शन होता क्या है। रैपिड कंबस्शन, ठीक है। अब देखो, रैपिड कंबस्शन ये होता है, द कंबस्शन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। ये डेफिनेशन आपको याद रखना है, ये करेक्ट डेफिनेशन है। द कंबस्शन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस्ड इन शॉर्ट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रैपिड कंबस्शन। यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें वो क्या है, शॉर्ट टाइम। इन ए शॉर्ट टाइम सबसे मेन है इसके डेफिनेशन में, आपको याद रखना हमेशा। तो रैपिड कंबस्शन किसको बोलेंगे, द कंबस्शन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड इन ए शॉर्ट टाइम इज कॉल्ड रैपिड कंबस्शन। ये हो गया रैपिड कंबस्शन का डेफिनेशन। अब देखो यहां पे इन स्पॉन्टेनियस, अब देखो अगला हम लोग पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस। तो रैपिड कंबस्शन क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में जहां पे लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट का प्रोड्यूस हो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको रैपिड कंबस्शन बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हेन वी ब्रिंग ए लाइटेड मैच स्टिक आर ए लाइटर नियर द बर्नर ऑफ ए गैस स्टोव इन किचन द कुकिंग गैस स्टार्ट बर्निंग एट वंस प्रोड्यूस ए लार्ज हीट एंड लाइट सो द इमीडिएट बर्निंग ऑफ कुकिंग गैस एलपीजी ने गैस ये क्या करता है, हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है। ये क्या होता है, ये रैपिड कंबस्शन का एग्जाम्पल है। तो रैपिड कंबस्शन का एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल हो जाएगा इसका बर्निंग ऑफ एलपीजी, ठीक है, बर्निंग ऑफ केरोसिन ऑयल, ठीक है। अब देखो, बर्निंग ऑफ वैक्स
वैक्स, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, ये सारे ही रैपिड कंबस्शन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का हम लोग यहां पे देखेंगे डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, तो सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद से इसके जो यूज है वो देखेंगे, या फिर इसके जो हार्मफुल इफेक्ट है उसको देखेंगे, और उसके बाद हम लोग बुक का लैंग्वेज देख लेंगे। तो सबसे पहला है द कंबस्शन रिएक्शन, द कंबस्शन रिएक्शन विच ऑकर्स ऑन इट्स ओन इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस कंबस्शन, ठीक है, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलेंगे। ऐसे कंबस्शन रिएक्शन जो क्या हो जाए, अपने आप ही होने लगे, ऐसे कंबस्शन रिएक्शन जो क्या हो अपने आप हो जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोल देंगे, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन किसको बोलेंगे, ऐसे कंबस्शन रिएक्शन जो क्या हो अपने आप से हो जाए उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस कंबस्शन बोलेंगे, विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट की वजह से। जैसे मान लो अगर हमें कंबस्शन कराना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करते हैं, इससे क्या होता है वो सब्सटेंस अपने इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचता है, तो क्या होता है उसमें एक बार बर्निंग स्टार्ट हो जाता है तो क्या होता है बर्निंग कंटिन्यू रहता है। लेकिन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है जो क्या होता है अपने आप से ही कंबस्शन होने लगता है विदाउट एनी एक्सटर्नल हीट की हेल्प किए, ठीक है। इन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन द सब्सटेंस सडनली बर्न्स इनटू फ्लेम एंड स्टार्ट बर्निंग इवन विदाउट हीटिंग। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन में होता है सब्सटेंस क्या हो जाता है बर्स्ट कर जाता है किसमें, फ्लेम में, और बर्निंग स्टार्ट हो जाता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है रूम टेम्परेचर पे भी होने लगता है। हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस टेम्परेचर इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द सब्सटेंस बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन। ये समझ लो जहां पे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो रहा है तो उसके लिए हीट की जरूरत होगी, तो वो हीट कहां से मिलता है, सब्सटेंस के अंदर ही क्या होगा। मान लो ये कोई सब्सटेंस है यहां पे, तो यहां पे क्या हो रहा है स्पॉन्टेनियस इसका कंबस्शन हो रहा है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो रहा है। तो इसके लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए। इसके लिए हीट जो चाहिए वो कहां, अंदर इसके क्या होता है स्लो ऑक्सीडेशन होता है। तो इससे क्या होता है हीट रिलीज होता है। स्लो ऑक्सीडेशन से जो हीट रिलीज होगा वही क्या करेगा इसको हीट प्रोवाइड करता है, तो इससे क्या होता है उसको हीट मिलता रहता है। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर, द हीट रिक्वायर्ड फॉर स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इज प्रोड्यूस्ड इन साइड द सब्सटेंस बाय इट्स स्लो ऑक्सीडेशन। स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इज यूजली अंडरगोन बाय दो सब्सटेंस विच हैव क्वाइट लो इग्निशन टेम्परेचर। अब देखो अगर मान लो अपने आप ही किसी को जलना है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए, क्या होना चाहिए इग्निशन टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो जो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है तो यहां पे क्या होना चाहिए लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, क्या होना चाहिए लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, तभी क्या होगा अपने आप उसमें आग लग पाएगी। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल है व्हाइट फास्फोरस, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है व्हाइट फास्फोरस, इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है, व्हाइट फास्फोरस
ठीक है। व्हाइट फास्फोरस क्या है, इसका बेस्ट एग्जांपल है, जो क्या होता है स्लो या फिर स्पॉन्टेनियस कंबस्शन करता है, ठीक है। क्या होता है उसमें, व्हाइट फास्फोरस में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है। इन अदर वर्ड व्हाइट फास्फोरस बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर। इसको अगर अलग लैंग्वेज में बोला जाए तो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो रहा है तो क्या रूम टेम्परेचर पे ही स्पॉन्टेनियस कंबस्शन हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो, सो इफ यू कीप ए पीस ऑफ व्हाइट फास्फोरस इन ए चाइना डिश वी विल सी दैट इट कैच फायर बाय इटसेल्फ एंड स्टार्ट बर्निंग। अगर हम चाइना डिश ले लें, उसमें हम लोग व्हाइट फास्फोरस को रख दें, तो हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या हो गया, अपने आप ही आग लग गया है, ठीक है। द बर्निंग ऑफ व्हाइट फास्फोरस ऑन इट्स ओन एट रूम टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पॉन्टेनियस कंबस्शन। व्हाइट फास्फोरस का अपने आप ही जलना रूम टेम्परेचर पे किसका एग्जाम्पल है, वो स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। द हीट रिक्वायर्ड टू स्टार्ट दिस फेनोमेना या फिर स्पॉन्टेनियस कंबस्शन इज प्रोड्यूस्ड इंटरली बाय स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ फास्फोरस। ये आपको बता चुके हैं, कंबस्शन के लिए जो हीट की आवश्यकता होती है वो सब्सटेंस के अंदर ही क्या होता है, स्लो ऑक्सीडेशन होता है, उसी से वो हीट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। द स्पॉन्टेनियस कंबस्शन रिएक्शन विच टेक प्लेस इन नेचर आर वेरी डेंजरस। जो नेचर में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। जैसे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कोल डस्ट हैज रिजल्टेड इन मेनी डिस्ट्रॉयर्स फायर्स इन कोल माइंस। कोल का क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है। अब देखो ये क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। कोल माइंस में आप लोग सुने होंगे कि आग लग जाता है और जो महीने महीने चलता है, ठीक है। इसी तरह से फॉरेस्ट फायर होता है। फॉरेस्ट फायर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन होता है, और जब एक बार आग लग जाती है फॉरेस्ट में तो क्या होता है, वो ज्यादा टाइम तक चलता रहता है। ठीक है, अब देखो, समटाइम्स ड्यू टू द हीट ऑफ सन स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ स्ट्रॉ एंड फॉरेस्ट वुड टेक प्लेस। कुछ टाइम क्या होता है, सन के जो हीट से स्पॉन्टेनियस कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे जंगलों में होता है कि हार्ड समर डेज में क्या होता है, वहां का टेम्परेचर क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, जिससे क्या होता है, लिप्स में आग लग जाती है और जंगल में स्पॉन्टेनियस कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट फायर आर हाउएवर कार्ड ड्यू टू द केयरलेसनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। देखो यहाँ पे बोल रहा है ये कि फायर, जो फॉरेस्ट फायर होता है वो ह्यूमन के लापरवाही से होता है। कैसे, वेन ह्यूमन बीइंग थ्रो अवे लाइटेड सिगरेट इन ए फॉरेस्ट आर लिव्स बिहाइंड ए बर्निंग कैंप फायर आफ्टर हैविंग ए पिकनिक। मान लो हम लोग पिकनिक पे गए हैं तो वहां पे सिगरेट पी के फेंक देते हैं या फिर कैंप फायर है उसको भी फेंक देते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे फॉरेस्ट में आग पकड़ लेता है और क्या होता है, वहां पे स्पॉन्टेनियस कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है। इट इज डेयर फॉर इंपॉर्टेंट डेट बर्निंग सिगरेट बर्ड्स, हम लोग क्या करना चाहिए, उसको बुझा देना चाहिए, नॉट थ्रोन अवे इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में नहीं फेंकना चाहिए। कैंप फायर आर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड, जो कैंप में हम लोग आग लगा के क्या करते, सीखते हैं या फिर आग का यूज करते हैं, वो क्या करते हैं, वो भी हम लोग पूरी तरह से बुझा देना चाहिए कैंप को छोड़ने के पहले, ठीक है। कैंप फायर आर कंप्लीटली एक्सटिंग्विश्ड बिफोर लीविंग द फॉरेस्ट आफ्टर ए विजिट, ठीक है। ये हो गया दो। अब तीसरा देखो, एक्सप्लोसिव कंबस्शन, तीसरा है एक्सप्लोसिव कंबस्शन, एक्सप्लोसिव कंबस्शन, एक्सप्लोसिव कंबस्शन क्या होता है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन का डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद से उसका जो यूज दिया हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे। ए वेरी फास्ट कंबस्शन रिएक्शन, एक्सप्लोजन में क्या होता है या फिर एक्सप्लोसिव कंबस्शन में, ए वेरी फास्ट कंबस्शन रिएक्शन, पहले हम इसका डेफिनेशन लिख देते हैं साइड में आपके, क्योंकि यहां पे वीडियो में नहीं आ पाएगा, होगा इसका डेफिनेशन, ए वेरी फास्ट कंबस्शन, ए वेरी फास्ट फास्ट कंबस्शन कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन इन विच
a large amount of heat and light and sound are produced is called explosive combustion is called explosive combustion. ठीक है, अब देखो, a very fast combustion reaction in which a large amount of heat and light and sound are produced is called explosive combustion. जैसे देखो, जैसे फायर क्रैकर हो गया या फिर फायर क्रैकर हो गया या फिर दूसरा दिया हुआ है इसमें बम ब्लास्ट भी हो सकता है, वो हम लिखेंगे नहीं अभी आपको. ठीक है, तो फायर क्रैकर हो गया किसका, एक्सप्लोसिव कंबस्शन का डेफिनेशन. एक्सप्लोसिव कंबस्शन का क्या होगा, ए वेरी फास्ट कंबस्शन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबस्शन. एग्जाम्पल हो जाएगा फायर क्रैकर का. अब देखो बुक में क्या दे रहा आपके, ए वेरी फास्ट कंबस्शन रिएक्शन इन विच ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट एंड साउंड आर प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एक्सप्लोसिव कंबस्शन या फिर एक्सप्लोजन. ए लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज रिलीज क्विकली इन एन एक्सप्लोसिव कंबस्शन. जब एक्सप्लोसिव कंबस्शन होता है तो वहां पे लार्ज अमाउंट में क्या होता है, गैस रिलीज होता है. इट इज द रैपिड कंबस्शन या फिर रैपिड एक्सपेंशन ऑफ दीज गैसेज विच कॉज ए लार्ज लाउड साउंड. जहां पे क्या होता है रैपिड कंबस्शन या फिर एक्सप्लोसिव कंबस्शन हो रहा है वहां पे क्या होगा, लार्ज अमाउंट में गैस रिलीज होता है. वही क्या करता है, गैस एक्सपेंड करता है तो वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है जो एक्सप्लोजन में होता है. द फायर वर्क्स विच वी एक्सप्लोड ड्यूरिंग फेस्टिवल वर्क ऑन द एक्सप्लोसिव कंबस्शन ऑफ सब्सटेंसेस. ठीक है, जो हम लोग फायर क्रैकर जलाते हैं फेस्टिवल में वो किस थ्योरी पे काम करता है, ये एक्सप्लोसिव कंबस्शन की थ्योरी पे ही काम करता है. When a cracker is ignited with a burning matchstick, जैसे हम लोग क्या करते हैं क्रैकर को बर्निंग matchstick से बर्न करते हैं, the chemical present in it undergoes a sudden combustion. ठीक है, क्या होता है वेरी रैपिड कंबस्शन स्टार्ट हो जाता है जो क्या करता है हीट को लाइट को और लार्ज अमाउंट में गैस को प्रोड्यूस करता है. जो यहाँ पे गैस प्रोडक्शन हो रहा क्या होता है उसको एक्सपेंड करता है. जब गैस एक्सपेंड करता है तो क्या होता है उससे वो एक्सप्लोजन या फिर साउंड प्रोड्यूस करता है और इसमें हीट भी लार्ज अमाउंट में निकलता है. तो एक्सप्लोसिव कंबस्शन कैन आल्सो टेक्स प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन क्रैकर बाय हीटिंग इट हार्ड. अगर हम क्या करें क्रैकर को हार्ड हीटिंग करेंगे तो भी क्या होगा, तो भी एक्सप्लोसिव कंबस्शन स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, अब देखो तो हम लोग क्या तीन टाइप के कंबस्शन पढ़ चुके हैं, तीन टाइप के यहां पे हम आपको साइड में एक बार बता दे रहे हैं. तीन टाइप का कंबस्शन है, टाइप ऑफ कंबस्शन में तीन टाइप का पढ़ चुके हैं हम लोग. ठीक है, पहला है स्लो तो नहीं दिया आपके बुक में तो हम दूसरा बता दे रहे हैं. अगले बुक में आप लोग देखेंगे तो वहां पे स्लो भी मिलेगा. तो पहला है रैपिड कंबस्शन. दूसरा है स्पॉन्टेनियस कंबस्शन. तीसरा है हमारे पास एक्सप्लोसिव कंबस्शन. तीसरा क्या है, एक्सप्लोसिव कंबस्शन. रैपिड कंबस्शन क्या होता है, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होता है और एक्सप्लोसिव कंबस्शन क्या होता है. रैपिड में क्या होगा, बहुत ही शॉर्ट टाइम में लार्ज अमाउंट में हीट और लाइट प्रोड्यूस होगा. स्पॉन्टेनियस कंबस्शन क्या होगा, ऐसे कंबस्शन रिएक्शन जो अपने आप ही स्टार्ट हो जाए विदाउट एक्सटर्नल हेल्प. एक्सप्लोसिव कंबस्शन क्या होगा, ऐसे कंबस्शन रिएक्शन जो बहुत ही फास्ट कंबस्शन रिएक्शन होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट में हीट
लाइट और साउंड का प्रोडक्शन होता है, उसको एक्सप्लोसिव कंबस्टन बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे फ्यूल के बारे में। ठीक है, ओके।